नमस्कार दोस्तों, एक्सकर्शन ऑफ लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हरिद्वार की यात्रा पर निकले हैं। हरिद्वार दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि, यानी ईश्वर का द्वार। यही वह स्थान है जहां गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर समतल में प्रवेश करती है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष व विदेशों से भी पर्यटक और भक्तगण आते हैं। हरिद्वार सड़क व रेल मार्ग द्वारा भारत के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। यह है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो बाहर से बिल्कुल किसी मंदिर सा दिख रहा है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर बस स्टैंड है, जहां से आप दूसरे शहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए बस ले सकते हैं। हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान हर की पौड़ी यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ जाने के लिए आप साइकिल या इलेक्ट्रिक रिक्शा ले सकते हैं। जैसा कि आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं, हर मतलब भगवान और पौड़ी मतलब पैर। जिस घाट पर स्वयं हरि के पैर पड़े हो, वही है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पहुंचते ही आपको कई सारे मंदिर दिखाई देंगे, जैसे श्री सत्यनारायण मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, मुख्य गंगा मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। पुरानी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें भारतवर्ष के कुछ शहरों जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन तथा प्रयागराज में गिरी थी, जिस कारण इन सारे जगहों पर बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वह ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में ही स्थित है। यहाँ स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ नदी की दो धाराएं देखने को मिलती है। हर की पौड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर पशुलोक बैराज है, जहाँ पर गंगा कैनाल निकलती है और हरिद्वार से होकर गुजरती है। एक और धारा है जो ब्रह्मकुंड से होकर गुजरती है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी की गहराई बहुत कम रखी गई है। यह नहर के बीचों बीच गंगा माता की प्रतिमा स्थित है। हर की पौड़ी के सामने ये जो क्लॉक टावर है, इसे 1938 ईस्वी में राजा बलदेव दास बिरला ने बनवाया था, इसलिए इसे राजा बिरला टावर भी कहते हैं। हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद हम मनसा देवी के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। हर की पौड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों के एक शिखर पर स्थित यह एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ मंदिर परिसर में एक पेड़ भी है, जिसमें भक्तगण मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र धागा बांधते हैं और फिर मनोकामना पूरी हो जाने के बाद उन्हें खोलने के लिए वापस आते हैं। यहाँ जाने का मार्ग काफी सुगम है। यहाँ पर पैदल, बाइक तथा रोपवे से भी आप जा सकते हैं। अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी के लिए रोपवे एक साथ बुक करते हैं, तो आपको विशेष छूट मिल सकती है। मनसा देवी मंदिर के बाद हम लोग माया देवी मंदिर की ओर चल पड़े हैं। माया देवी मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ आपको बहुत सारे साधु महात्मा सिद्ध में लीन दिख जाएंगे।
अब शाम हो चुकी है और हमें संध्या आरती का लुप्त उठाने वापस हर की पौड़ी जाना होगा। अगर आप संध्या आरती का सही आनंद लेना चाहते हैं तो 4 बजे तक हर की पौड़ी अवश्य पहुंच जाएं। संध्या आरती अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है और इसे महसूस करने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। जय मां गंगे हर हर गंगे पाप नाशिनी जय मां गंगे संकट हरिनी जय मां गंगे मंगल करिनी जय मां गंगे गंगा नदी विश्वास, आशा, संस्कृति और पवित्रता का प्रतीक है। साथ ही यह लाखों लोगों के आजीविका का स्रोत भी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक परंपरा का केंद्र है। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण में भी इनका काफ़ी श्रद्धा के साथ उल्लेख किया गया है। परंतु दुख इस बात का है कि इतना कुछ जानने के बाद भी हम इन्हें प्रदूषित करते हैं। आज हरिद्वार में हमारा दूसरा दिन है और हम वापस हर की पौड़ी के समीप विष्णु घाट आए हैं। यहाँ हम स्नान करेंगे और फिर चंडी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। यह है विष्णु घाट। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु यहाँ स्वयं स्नान किए थे। इसके ठीक अपोजिट में यह नाई घाट है। भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। पिंडदान से पहले केश दान किया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और मुंडन का विशेष महत्व बताया गया है। विष्णु घाट में स्नान करने के बाद हम चंडी देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। यह मंदिर हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर दूर नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो आपको 3 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी या फिर आप बाइक या रोपवे से भी जा सकते हैं। यह सुप्रसिद्ध मंदिर माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। चंडी देवी से लौटते समय हम शिव जी की मूर्ति देखने रुके हैं। यह शानदार 100 फीट ऊंची मूर्ति स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार में 2-3 दिन के लिए रुके हैं तो इन जगहों पर भी आप जा सकते हैं। जैसे कनखल, हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित यहां दक्ष प्रजापति का भव्य मंदिर है। सप्त ऋषि आश्रम, ऐसा कहा जाता है यहाँ 7 ऋषि एक साथ बैठकर तप किए थे। उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए गंगा माया 7 धाराओं में विभक्त हो गई थी। भारत माता मंदिर, यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। इस 8 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल विभिन्न देवी देवताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। पावन धाम, यहाँ मूर्तियों को कांच व आइनों द्वारा दीवारों पर बनाया गया है।
गायत्री शक्ति कुंज। महर्षि राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के आस्था का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, हरिद्वार में कई धर्मशालाएं व होटलें हैं जहां आप बहुत ही कम कीमत या मुफ्त में भी रह सकते हैं। पूरे हरिद्वार में मांसाहारी भोजन और मदिरा सेवन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। मोहनजीपुरी वाले, प्राचीन मथुरा वाले और चोटी वाला रेस्टोरेंट यहाँ का कुछ प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है जहाँ आप शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। इसके साथ ही हमारा हरिद्वार का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।